नमस्कार किसान भाइयों, जय किसान चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आए हुए हैं किसान मेला पुणे, जहां पर इंडिया की विभिन्न प्रकार की कंपनियों के स्टॉल लगे हुए हैं। जैसे ये एक स्टॉल लगा है किर्लोस्कर कंपनी का, यहां पर हम किर्लोस्कर कंपनी के सारे स्टॉल और सारे प्रोडक्ट दिखाएंगे। ये यहां पर ये महिंद्रा ने अपना स्टॉल लगा के रखा है, सारे मॉडल छोटे से बड़े मॉडल सारे दिखाए गए हैं। आगे चलते हैं, हम सोनालिका का भी यहाँ अपना स्टॉल लगा है, विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगे हैं, हम इसकी विस्तृत जानकारी भी आपको देंगे। आगे शक्तिमान का जो इंडिया का नंबर वन प्रोडक्ट है उसकी भी जानकारी देंगे। ये स्वराज का नया मॉडल है 742। आगे हम आपको सोनालिका की ओर भी लिए चलते हैं। ये सोनालिका का मिनी ट्रैक्टर है, काफ़ी ये स्वराज कंपनी का भी ये मिनी ट्रैक्टर है, काफ़ी छोटा है। ये यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं सोनालिका ट्रैक्टर्स, जो इंडिया का काफ़ी फेमस ट्रैक्टर है, किसानों का लोकप्रिय ट्रैक्टर है। ये इसका मिनी ट्रैक्टर है, इसके बारे में भी हम जानकारी देंगे, कीमत भी बताएंगे। आगे चलते हैं किसान भाइयों, हम आगे लिए चलते हैं आपको, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगे हुए हैं। ये सारे आप हमारे चैनल पर प्रत्येक स्टॉल का और प्रत्येक ये जो है सोलर पैनल, सौर ऊर्जा के द्वारा सोलर पंप कंट्रोल सेट लगाया हुआ है, कैसे चलता है देखो, यहाँ चला के भी दिखा रहे हैं लोग, सारी जानकारी देंगे हम। यहाँ आ गए हम मैसी फर्गुसन ट्रैक्टर्स, ये इसका मिनी ट्रैक्टर है, हर मॉडल यहाँ पर उपलब्ध है किसान भाइयों। आगे चलते हैं, हम आपको और लिए चलते हैं, सोलस ट्रैक्टर वालों ने भी अपना यहाँ स्टॉल लगाया हुआ है। विभिन्न प्रकार के ट्रैक्टर, छोटे से बड़े ट्रैक्टर सारे यहाँ उपलब्ध हैं, इनकी भी हम आपको जानकारी देंगे। ये देखिए सोलस कहे गए है, काफ़ी बड़ा ट्रैक्टर है, यहाँ पर दिखाते हैं हम आपको, ये सोलस कंपनी का है, बहुत शानदार मॉडल है इसके, कितने HP है, क्या इसमें सुविधाएं हैं, ये भी हम वहाँ बताएंगे। ये देखो एनमार्क सोलस का ये नया मॉडल है, हाँ, देखिए ये इसका वाइब्रेशन टेस्ट हो रहा है, यहाँ एक पैन रखा जा रहा है इसके ऊपर, ये टेस्ट करके बताएंगे इसमें वाइब्रेशन जीरो वाइब्रेशन है कि नहीं है। सोलस ट्रैक्टर का वाइब्रेशन टेस्ट हो रहा है सर, ये इस पे पैन रख दिया गया है, पैन रख के बता रहे कि इसमें कोई वाइब्रेशन नहीं है। सर ये क्या टेस्ट हो रहा है इसमें? ये वाइब्रेशन टेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो इस मशीन के बारे में बताइएगा। ये यानमार का 348 ट्रैक्टर मॉडल नंबर है, 48 HP में आता है। अच्छा अच्छा, इसमें बैलेंसिंग शाफ्ट दिएगा, इंजन में जीरो नॉइस, जीरो वाइब्रेशन है, जीरो नॉइस है, कम आवाज में। देखिए किसान भाइयों, इसके ऊपर पैन भी रख दिया है, और हम आगे लिए चलते हैं, सोल इसका ये मॉडल है एनमार्क का, आगे लिए चलते हैं। Yes, don't miss out this chance. जिनको भी पार्टिसिपेट करना है, all the ladies and gents, अब हम लिए चलते हैं आपको शक्तिमान, जो इंडिया का बहुत बड़ा ब्रांड है, यहाँ विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र रखे हैं, उनकी भी जानकारी लेंगे। काफी कृषि यंत्र यहाँ पर रखे हुए हैं सोलस के, ये इसका ये दवाई छिड़कने का है, जो किसान भाइयों का काफी लोकप्रिय है ये यंत्र रखा है, और विभिन्न प्रकार के यहाँ रोटावेटर हैं, सभी यंत्र उपलब्ध हैं। आगे भी लिए चलते हैं किसान भाइयों, यहाँ इनका शुगर केन हार्वेस्टर भी है, काफ़ी रोटर वेटर की काफ़ी सीरीज लगी हुई है यहाँ पर। चलो आगे हम और दिखाते हैं, ये इनका ट्रैक हार्वेस्टर है शक्तिमान का, ये पावर हैरो है, काफ़ी यहाँ मल्चर भी रखा हुआ है, ये प्लाउ है इनका। चलो आगे लिए चलते हैं, ये इनका हाँ स्प्रे पंप है, ये शुगर केन हार्वेस्टर है, ये जो है कॉटन हार्वेस्टर है, ये जो है ये लिफ्ट वाला जो बागवानों में फल वगैरह तोड़ने के लिए मशीन काम में आती है। काफ़ी किसान भाइयों देखो, यहाँ जो हमारे
ये विभिन्न प्रकार के जैसे बैल वगैरह हैं, ये इनका ये बनाया हुआ ऐसे लग रहा है, बिल्कुल ओरिजिनल जैसे लग रहे हैं। कलाकार ने काफ़ी यहाँ अपनी कला प्रतिभा दिखाई है। ये देखिए काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का। ये जो परंपरागत हमारी पुरानी बग्घी गाड़ी हुआ करती थी उस टाइप की गाड़ी भी बनाई है। काफ़ी बढ़िया सुंदर व्यू है यहाँ का। और आपको आगे लिए आप ये कुछ दिखाना संभव नहीं हो पा रहा है, हम इसके दूसरे पार्ट में भी आपको दिखाएंगे। और किसान भाइयों अब हम आगे लिए चलते हैं विभिन्न, ये बहुत बड़ा एग्जीबिशन है। चलो किसान भाइयों हम आगे दिखाते हैं आपको विभिन्न प्रकार की मशीनरी कृषि यंत्र। यहाँ आपको विभिन्न प्रकार के जो कृषि यंत्र हैं वो रखे हुए हैं। हाँ दिखाते हैं हम किसान भाइयों, ये लकड़ी का चूड़ा जो बनाते हैं उसका सिस्टम है। इसको यहाँ से डाल के लकड़ी डालते जाते हैं और लकड़ी के अलावा आप अन्य जो भी चीज़ें उनका सारा चूड़ा बना सकते हैं। सर ये क्या सिस्टम है? सर ये श्रेडर मशीन है, उड़ चुका। अच्छा, इसका क्या उपयोग है? इसका सर आप कुट्टी कर सकते हैं, जो अभी अच्छा। लकड़ा श्रेडिंग है। हाँ जी, हाँ जी। खेती में जितना भी वेस्ट आता है हाँ, हाँ, उसको अपन सर इसमें डाल के श्रेडिंग कर सकते हैं। तो उसके कंपोस्ट विभिन्न प्रकार के ये सारे मॉडल उसी के बनाए उसी के बना हुए। ये मोटर ऑपरेटेड है क्या, ट्रैक्टर से भी चला सकते? सर ये जो अभी मशीन है ये ट्रैक्टर ऑपरेटर है, इसे ट्रैक्टर से चला सकते है। ये दूसरा मॉडल है, इसमें मोटर से चला सकते है। थोड़ा अपना कंपनी का परिचय दीजिए ना। माय सेल्फ सौरभ सालोडकर, कंपनी माइक्रोसंस अंबड़ नासिक। जी जी जी। तो लगभग कितने मॉडल हैं अभी उपलब्ध में ये? सर अभी ये सभी हमारे अभी बना हुए मॉडल है, इसमें ट्रैक्टर मोटर प्लस अपना हैमर मिल ये सब है। अच्छा इसमें एक घंटे की कैपेसिटी कितनी रहती है? एक घंटे में अपन सर एक 50 टन से ऊपर निकाल सकते हैं। 5 टन से ऊपर। चलो किसान भाइयों आगे हम और दिखाते हैं आपको, आगे लिए चलते हैं। ये जो है VST, यहाँ विभिन्न प्रकार के पावर टिलर जो रीपर वगैरह हैं, काफ़ी इंडिया का पॉपुलर ब्रांड है ये। हम आपको दिखाते हैं विभिन्न प्रकार की रीपर वगैरह हैं और ये जो है लगे हुए हैं टेलर्स वगैरह भी हैं काफ़ी। VST का ये मिनी ट्रैक्टर भी है यहाँ पर और वो बड़ा वाला ट्रैक्टर भी रखा है। आगे हम इनके बारे में इसकी प्राइस भी अब हम आपको दिखाते हैं। पुन्नी का स्टाइल, यहाँ पुन्नी के विभिन्न प्रकार के मॉडल लगे हुए हैं, हार्वेस्टर भी लगे हुए हैं इनका, बैक टू बैक पुन्नी का। कैसा मिनी थ्रेशर है ये, पुन्नी का मिनी थ्रेशर है और काफ़ी पॉपुलर है पुन्नी का, इंडिया के अंदर अपना एक नाम चलता है। ये पुन्नी का हार्वेस्टर लगा हुआ है, इसमें टोकरी की भी दी है। चाहे तो आप इसको सीधे रील से काट सकते हैं या फिर सीधा टोकरी में अनाज डाल के अपना काम कर सकते हैं। ये पुन्नी का 313 कंबाइंड हार्वेस्टर है और ये एग्रो टिश कंपनी का स्टॉल लगा हुआ है। विभिन्न प्रकार के इनके रोटरवेटर कुट्टी मशीन वगैरह हैं काफ़ी। किसान भाइयों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, हम अपने पार्ट टू में हम इस और अन्य कृषि यंत्रों की जानकारी देंगे। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए, ये किसान मेला पुणे का पूरा व्यू देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। नमस्कार।